بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل خانہ سرفراز نماز. گورننس انالیسس کیا ہوتا ہے؟ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے گورننس انالیسس از آفن کنسرن ود دی ریلیٹو امپورٹنس آف اسٹیٹ مارکیٹ اینڈ سول سوسائٹی انسٹیٹیوشنز ان اسٹیٹنگ پالیسی اینڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیسز دیٹ از recognizing the roles of state control, government and bureaucracy, market forces, capitalism and economics, and public interests, people and civil society. Governance involves a combination of different institutions from all three of these spheres. Governance analysis framework deconstructs the governance process as follows. Number one, context. The socio-economic and political context of the initiative being analyzed, as well as some basic information about the initiative itself, who is involved, its locations and scale, its history. पहले आपको बता देते हैं बेसिकली गवर्नेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं. जो हम इम्पोर्टेंस जो है स्टेट की, मार्केट की और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस की, उसकी जो इम्पोर्टेंस को हम कंसर्न करते हैं उसे हम कहते हैं गवर्नेंस एनालिसिस. ठीक है जी. उसमें थ्री हमारे जो है मेजर जो हैं वो आ जाएंगे इंस्टीट्यूशन. नंबर वन पे गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी है, सेकंड नंबर पे कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक्स है, नंबर थर्ड पे पीपल एंड सिविल सोसाइटी है. इसके बाद इसके जो सिक्स पॉइंट्स हैं उसमें से नंबर वन पे कंटेक्स्ट है. कंटेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बताते हैं, जिस तरह हु इज़ इन्वॉल्व्ड, इट्स लोकेशन, स्केल एंड हिस्ट्री. नंबर सेकंड पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट मेजर्स के हैं. द की प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव विच इज द एनालिसिस फोकस ऑन विच शुड बी दी आर वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इटसेल्फ एज वेल एज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, लॉज, प्लान्स और रेगुलेशंस दैट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ द प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स में हमने मैनेजमेंट मेजर्स में हमने क्या बताना होता कि हमने वो बताना होता है जिसे हम लॉज हम बता सकते हैं, पॉलिसीज बता सकते हैं, प्लान्स बताते हैं, रेगुलेशंस बताते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं अचीवमेंट को ऑब्जेक्टिव के. ये सेकंड में हमारे आएगा. नंबर थर्ड पे आज कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं. कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट किए जाते हैं बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबाउट मेजर्स. जो अभी आपको मेजर्स बताए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन से कन्फ्लिक्ट हमारे जनरेट होते हैं. एंड द ड्राइविंग फोर्सेज बिहाइंड दोज कन्फ्लिक्ट, और ड्राइविंग फोर्सेज जो हैं इन्फ्लिक्ट के बिहाइंड भी काम कर रही होती हैं. नंबर फोर पे है गवर्नेंस अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस. द ओवरऑल गवर्नेंस अप्रोच अडॉप्टेड इन द इनिशिएटिव टॉप डाउन है, बॉटम अप है या मार्केट लेड है, एंड इट्स इफेक्टिवनेस इज इन अचीविंग द प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव. जो प्रायोरिटी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने की जो इफेक्टिवनेस होती है उसे हम उसको हम अडॉप्ट करते हैं इसमें स्टेप नंबर फोर में. इंसेंटिव क्या है? ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक, लीगल नॉलेज, इंटरप्रिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव इंसेंटिव. या मुख्त किस्म के इंसेंटिव हैं एम्प्लॉयड विद इन द इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू अचीव द प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव. जो प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए हम ये जो है इंसेंटिव लेंगे इकोनॉमिक के, लीगल नॉलेज के, इंटरप्रिटेटिव के और पार्टिसिपेटिव के. ठीक है. ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंसेंटिव इज सप्लाइड विद इन द फ्रेमवर्क ड्राइव्ड फ्रॉम प्रीवियस एम्पिरिकल वर्क कैरिड आउट ऑन MPA इनिशिएटिव्स. नंबर सिक्स पे है क्रॉस कटिंग थीम्स क्या होते हैं. डिस्कशन ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस इन टू इंटरसेक्टरल इंटीग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर इशूज, इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस इशूज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग. थैंक्स.